सेंट थॉमस स्कूल शिमला, एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी एलकेजी यूकेजी। लर्नर्स क्लब शिमला द्वारा एंटी ड्रग के संबंध में किया गया कार्यक्रम का आयोजन, पुलिस अधीक्षक अमित ठाकुर ने मुख्य अतिथि। आज हमारा सबसे वही मोटो है कि जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत सारे नशे में वो हो गए हुए हैं, और नशा जो है वो आज की गंभीर समस्या बन गया हुआ है हमारे देश की। तो इसके लिए हम सिर्फ पेरेंट्स, सिर्फ टीचर्स ये नहीं कर सकते, बल्कि समाज के सभी वर्गों को आगे आना पड़ेगा, जो कि बच्चों को, जिसका भी कोई बच्चा है उसको आप इससे मुक्त कराएं और उसको जीवन में सक्सेसफुल जीवन जीना और हेल्दी जीवन के लिए प्रेरित करें। हम DSP जी को बुलाएंगे, मतलब उनसे हम व्यूज़ लेंगे और वो अपना उनको एड्रेस करेंगे, वो बच्चों को अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि उन्होंने ड्रग्स से कैसे कैसे बच्चों को निकाला और कैसे कैसे वो बच्चों को पकड़ते हैं और किस किस कंडीशन में रहते हैं बच्चे, बच्चे डेथ उस तक पहुंच जाते हैं, डेथ स्टेज तक पहुंच जाते हैं, तो वो सारा अवेयर कराएंगे। एंड आफ्टर दैट जो हमारे डॉक्टर शालिनी जी हैं, वो अगर वो एक साइकाइट्रिक है, काउंसलर है, काउंसलिंग करती हैं बच्चों की, वो बच्चों को ड्रग में अगर कोई इन्वॉल्व हो गया है उसको बाहर कैसे निकाला जाए, अगर कोई फ्रेंड्स उसके हैं उन वो कैसे उन बच्चे को की हेल्प कर सकते हैं, वो इस तरह का लेक्चर देंगे और बच्चों को। इसके अलावा और हाँ जी, पीछे हाँ जी, हम लोगों ने 2 अक्टूबर भी मनाया था परसों, और ऐसे हम सारे जितने भी साल में जैसे जैसे ओकेजन्स आते रहते हैं, हम लोग समाज के प्रति कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम अपना बेस्ट दे सकें। हमारी कोशिश है कि हम टाइम घर से निकालते हैं तो हमारा टाइम जो है वो अच्छे काम में जाए, जो कि समाज के लिए बेनिफिशियल हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।